नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्यव्यापी प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर औरंगाबाद जिले में भी ग्राम पंचायतों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों में की गई कटौती को वापस लेने सहित 19 मांगों को लेकर शहर के दानी बिघा में जिला मुखिया संघ अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया, जहां धरना में कई मुखिया जनप्रतिनिधियों ने केंद्र तथा राज्य सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए उनके साथ मनमानी करने का आरोप लगाया। मुखिया जनप्रतिनिधियों ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि संविधान प्रदत्त उनके अधिकारों में सरकार द्वारा की गई कटौती किसी भी हाल में उचित रही है। हर हाल में सरकार उनके अधिकारों में की गई कटौती को वापस करने के साथ साथ उनका 19 अन्य कई मांगों पर सरकार विचार करे, अन्यथा 2024 का लोकसभा का चुनाव तथा 2025 का विधानसभा का चुनाव में वे ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। वहीं इस एक दिवसीय धरना में शामिल होने पहुंचे औरंगाबाद विधान पार्षद दिलीप कुमार सिंह ने इनका समर्थन करते हुए कहा कि इनकी सभी मांग जायज है और इस मामले को लेकर वे विधान परिषद में पुरजोर तरीके से उठाकर सरकार का ध्यान आकर्षण कराने की बातें कही। सरकार से जो मुख्य संघ बिहार के जो उनके आलोकन में जो हम लोग 16 मार्च को जो धरना प्रदर्शन पटना में विकसित के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी और सबके सचिवालय में जो हम लोग विकसित के रूप में मांग किए थे, उसके आलोकन में आज औरंगाबाद जिले में पूरे बिहार के जिले में आज धरना प्रदर्शन का जो मांग है और प्रखंड में भी कर दिया गया है, तो उसका आज मांग है कि जो कटौती पंचायतों को दिया गया है 19 मांग इनको सरकार को पूरा करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो अनिश्चितकाल हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और जो हम लोग का सभी अंतुष्टि है, जैसे सुरक्षा है, आपको बिहार का 14 या 15 वो जो मुखिया मरा गए हैं उसका 50 लाख रुपये मुआवजा की मांग थी, इसी तरीका बहुत सारे मांग है बाइक में, तो मांग तो हम लोग अपना जनता के अधिकार के लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं। जन समस्या में जो दिक्कत हो रहा है, जनता के जो कार्य के लिए हम जो बने थे जो उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रहे, सरकार इस पर रोक लगा रही है, हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। क्या उम्मीद लग रही है कि सरकार आप लोगों को मांग मानेंगी? माने या ना माने, हमारा काम जनता के हक के लिए लड़ना, मैं लड़ूंगा।